एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के अंदर मेरे को एक चीज़ का आंसर दो, वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के अंदर मान लो एक मिनट के लिए आपके पास एक वेसल है, ये आपके पास एक वेसल है, ये आपके पास एक वेसल, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड है और लिक्विड का लेवल क्या है, ए है। मैंने लिक्विड को गर्म किया तो लिक्विड क्या होगा इसमें, एक्सपैंड की कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड होगा। बोलो लेवल क्या होगा लिक्विड का, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, अगर वहीं रहेगा, अगर वहीं रहता और अगर ऊपर जाता तो मैं क्वेश्चन क्यों पूछता, ये नीचे जाएगा क्यों, ऊपर तो बाद में जाएगा, पहले नीचे गिरेगा क्यों, हाँ एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम तो फिर ऊपर जाना चाहिए, हाँ बढ़ती है वॉल्यूम, बढ़ती है तो ऊपर ही जाएगा, फैलेगा ना, नहीं नहीं पहले वेसल गर्म होगा, क्योंकि क्योंकि जब तक वेसल गर्म नहीं होगा तब तक पानी कैसे गर्म होगा, तो वेसल एक्सपैंड करेगा पहले, तो पहले वेसल एक्सपैंड करेगा तो वो थोड़ा फैल जाएगा, तो लिक्विड पहले नीचे जाएगा और नीचे जाके फिर लिक्विड ऊपर बहुत एक्सपैंड करेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसलिए लिक्विड नीचे जाके ऊपर जाएगा, इसी को बोलते हैं रियल और एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट का मतलब हमें लगता है कि वो ऊपर जाएगा पर रियल में वो नीचे आता है। तो ये टॉपिक है जो एक्सपेंशंस के ऊपर काम करता है, ठीक, लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे, पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको सोचना है।